हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेस टाइम्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लैक होल्स के कितने टाइप्स होते हैं और हर टाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ब्लैक होल्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, स्टेलर, सुपर मैसिव और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। लेकिन ब्लैक होल का एक और टाइप भी होता है जिसे हम मिनिएचर ब्लैक होल बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो आगे बढ़ाते हैं और हर टाइप के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स, जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन ब्लैक होल्स होते हैं। इनका फॉर्मेशन स्टेलर डेथ से, यानी कि जैसा कि अपनी फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स में कोलैप्स होकर ब्लैक होल फॉर्म कर देता है, उसी तरीके से स्टेलर डेथ होता है और फिर स्टेलर ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं। इनका जो मास होता है वो 10 सोलर मासेस से 100 सोलर मासेस तक हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि 1 सोलर मास हमारे सन के मास के इक्वल होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के नाम से ही पता चलता है कि ये कितने ज्यादा मैसिव होते होंगे। इनका मास मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ सोलर मासेस तक हो सकता है। इनके फॉर्मेशन के बारे में साइंटिस्ट को अब तक ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये इतने ज्यादा मैसिव होते हैं इसकी वजह से इनका फॉर्मेशन स्टेलर डेथ की वजह से नहीं हो सकता। इनके फॉर्मेशन पे साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि इनका फॉर्मेशन यूनिवर्स के स्टार्टिंग फेज में ही हो गया होगा और फिर उसके बाद इनके आसपास बहुत सारे स्टार्स होंगे जिनको इन्होंने अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया होगा, इसी वजह से ये इतने ज्यादा मैसिव हो गए। और जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं वो लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। इनफैक्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटेरियस ए। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स वो ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच में होता है, और इनका फॉर्मेशन तब होता है जब दो ब्लैक होल्स या फिर दो स्टार्स आपस में कोलाइड करते हैं, और इनका मास 100 सोलर मासेस से 1 मिलियन सोलर मासेस तक हो सकता है। मिनिएचर ब्लैक होल्स, देखिए दोस्तों, मिनिएचर ब्लैक होल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। इनका साइज एक एटॉमिक पार्टिकल तक हो सकता है, लेकिन उतने छोटे ब्लैक होल का ही मास माउंट एवरेस्ट जितना होता है। वैसे तो मिनिएचर ब्लैक होल्स अब तक केवल थ्योरीज में है, लेकिन मैंने सोचा इनके बारे में भी आपको बता ही दूं। तो यही था दोस्तों मेरा आज का छोटा सा वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा स्पेस और साइंस रिलेटेड फैक्ट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को विजिट करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट संडे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हां, स्टे होम स्टे सेफ।